दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा शाही टुकड़ा की रेसिपी बहुत ही कम समय में और आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक पैन में आधा लीटर दूध, आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दूध ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। तो मैंने आधा लीटर दूध लिया है यहाँ पे और अब मैं इसको एकदम लो फ्लेम पे उबालूंगी। ये जैसे इस पर मलाई आ जाती है उसके बाद हमें इसको हिलाते रहना ताकि ये नीचे लगे भी नहीं और ये उफने भी नहीं। हम इसको बार बार एकदम कम फ्लेम पे इसको चलाते रहेंगे और ये 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी आप देख सकते हो इसका जो टेक्सचर है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तब ये एकदम परफेक्ट टाइम होगा। इसके अंदर हम डालेंगे इलायची पाउडर, आप इलायची पाउडर कूट के डाल सकते हो, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा रबड़ी के अंदर। और इसको एकदम आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी आधी कटोरी चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो मैंने चीनी डालने के बाद इसको हम पूरा एकदम अच्छे से पकाएंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे लास्ट में गुलाब। गुलाब से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और एक मतलब अच्छा फ्लेवर भी आएगा और ये बहुत अच्छा भी लगेगा। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ कि जो रबड़ी है जो दूध है एकदम थोड़ा गाढ़ा होते जा रहा है। तो अब इसको हम थोड़ी देर तक और चलाते रहेंगे, कम से कम 5 मिनट तक हम इसको और चलाएंगे, तब फिर आप देखोगे इसको जो एकदम गाढ़ा हो गया और कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है दूध का। और अब हम इस गैस को बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन के अंदर। और हमें इसको ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है बिकॉज ये ठंडी होने के बाद अपने आप थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो हमें इसका थोड़ा एकदम इस टाइप का टेक्स्चर रखना है तो ये काफ़ी परफेक्ट। तो अब हम बनाएंगे चाशनी। चाशनी के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी चीनी और जितनी आपने चीनी ली है उतना ही आपको पानी लेना है। आप अपने मेजर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर आपने 1 कटोरी चीनी ली है तो आपको 1 कटोरी ही पानी डालना है। तो ये मैंने डाल दिया, अब इसको हम एकदम लो फ्लेम में बनाएंगे। हमें इसको कोई से भी तार की नहीं बनानी है, हमें बस एकदम नॉर्मल चाशनी बनानी है। तो आप देख सकते हो ये मतलब 5 मिनट के अंदर बन जाएगी। तो एकदम इसकी कंसिस्टेंसी हमें एकदम नॉर्मल रखनी है, कोई भी तार की नहीं बनानी है। तो आप देख सकते हो ये बन चुकी है, एकदम रेडी है। तो अब हम हमारा अगला प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए मैंने ब्रेड ना लेके टोस्ट लिया, टोस्ट से भी शाही टुकड़ा बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने इसको घी के अंदर फ्राई किया, आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो। तो मैं इसको जब तक इसका जो कलर डार्क नहीं हो जाता तब तक इसको फ्राई करूंगी, जब तक ये थोड़ी क्रंची क्रंची नहीं हो जाती। तो अब हम इसको एकदम हाई फ्लेम पे कर रहे हैं तो ये 2 मिनट के अंदर हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो ऐसे ही करके हम जितनी भी टोस्ट है उसको एकदम फ्राई कर लेंगे। तो हम एक एक करके जितने भी टोस्ट हैं उन सबको फ्राई कर लेते हैं। तो हमने सारे टोस्ट को फ्राई कर लिया, तो मैंने यहाँ पे 4 टोस्ट लिया। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो फ्राई किए हुए जो टोस्ट है उसको चाशनी में डिप करना है। ये चाशनी में ना इसको हमने एक एक करके डिप कर लेंगे। तो अब ये एकदम इस चाशनी टोस्ट में सोक कर ली है। तो अब इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं 4 टोस्ट को। तो ये मैंने सारी टोस्ट इस पे लगा दिए। तो जो मैंने फ्रिज में रख रखी थी रबड़ी ठंडी होने के लिए उसको निकाल लेंगे और एक एक करके सारे टोस्ट पे ये रबड़ी डाल देंगे। रबड़ी डालने के बाद हम इस पे गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, आप अपने अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। और थोड़े बहुत मैंने इसके ऊपर गुलाब के पत्ते भी डाल दिए जिससे बहुत अच्छा दिखने में लगेगा ये। तो ऐसे फिर हमारी ये जो शाही टुकड़ा है फिर रेडी हो चुका है। आप इसको देख सकते हो ये बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना, ये आपके घर में सभी को पसंद आएगी। तो वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।